अहम खबर, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हसन और हुसैन नवाज को नैब के तीनों रेफरेंसेस से बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को नैब रेफरेंसेस में बरी कर दिया है। हसन और हुसैन नवाज को एवनफील्ड फ्लैगशिप अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। जी देखें, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जो महफूज शुदा फैसला था हसन नवाज और हुसैन नवाज के केस से मुतालिक, वो सुना दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को एवन फील्ड फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला जो है वो सुना दिया है। अदालत ने आज सुबह जो है वो दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और पहले वक्त दिया गया था कि फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा और उसके बाद ये कहा गया कि फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। तहम 1 घंटा 37 मिनट की तखीर के बाद जो है वो फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोनों जो भाई हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज, उनको तीनों के नैब के जो केसेस थी तीनों केसेस में जो है वो बरी कर दिया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ ये जो है वो नैब के केसेस जो है वो बनाए गए थे और जिस पर अब उनको इन दोनों केसेस में से जो है वो बरी कर दिया गया है। आपको अगर बताएं कि 2017 में जो है वो हसन नवाज और हुसैन नवाज जो है इन दोनों को 2017 में पनामा जीआईटी बनने के बाद पाकिस्तान आए और हुसैन नवाज 4 और हसन नवाज 3 मरतबा पनामा जीआईटी के सामने पेश हुए थे। इसमें जीआईटी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से कबल ही वो वापस 2017 के शुरू में ही ये दोनों भाई लंदन रवाना हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को शरीफ फैमिली पर 3 रेफरेंसेज बनाने का कहा जिनमें एवन फील्ड फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो है वो ये शामिल थे। एवन फील्ड रेफरेंस में नैब ने हसन और हुसैन नवाज को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया था लेकिन वो बैरून मुल्क होने की वजह से तफ्तीश में तावन जो है वो ना कर पाए थे। उसके अलावा नैब ने इन्हें तलबी के नोटिस भेजे लेकिन वो पेश ना हुए। फिर 15 नवंबर 2017 को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इन्हें फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी जो है वो करार दिया जबकि 9 अक्टूबर को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में दोनों भाइयों को हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया। उसके अलावा नवाज शरीफ के जो दोनों साहबजादे हैं फिर 7 साल बाद जो है वो 12 मार्च 2024 को वतन वापस आए और अगले ही दिन जो 14 मार्च थी क्योंकि आखिरी उनकी डरी थी उनको उनके जो दायमी वारंट जारी हुए थे वो मुअत्तल जो है वो तब तक थे और 14 मार्च को वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए और जिसके बाद उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल कर दिए गए थे और अदालत में उनकी जानिब से एक तो प्लीडर की दरख्वास्त जो थी वो उनके प्लीडर मुकर्रर हुए थे इरफान कादिर, उसके अलावा अदालत में उनकी जानिब से बरियत की दरख्वास्तें जो है वो भी दायर की गई थी और जिस पर आज दलाइल हुए और अदालत में ये दलाइल में उनके वकला ने ये बात कही कि जो नवाज शरीफ है और मरियम नवाज है उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट इन केसेस में बरी कर चुकी है और उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्तलिफ केसेस के हवाले जो है दिए। तहम नैब की जानिब से भी बरीयत की दरख्वास्त पर कोई एज एंड कोई एतराज जो है वो नहीं उठाया गया ना नजर आया है जिसके बाद अब आज अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए दोनों जो भाई हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज उनको मुख्तलिफ केसेस का हवाला भी दिया गया। तो मीनवाइल जो नैब में तरमीम की बात हुई थी उसके बारे में इनकी जानिब से क्या कहा गया, उस पर जो सेटिस्फाई कर पाए कि ये उससे मुतसादिम नहीं है उन तरमीम से? देखिए कि चूंकि नैब तरमीम के हवाले से जो है वो बात की गई थी और यही पॉइंट जो हसन नवाज और हुसैन नवाज के वकला थे उनकी जानिब से यही उठाया गया था कि चूंकि नैब तरमीम जो है उसके बाद इस केस को चलाना जो है वो बनता नहीं है और इस केस में नैब की जो नई तरमीम थी उसी के ऊपर इन जो है वो इन दोनों के वकला ने इनसार किया और उन्होंने कहा कि इसके बाद जो वकील काजी मिसबा थे उन्होंने ये कहा कि अल अज़ीज़िया केस में भी ट्रायल कोर्ट ने सजा दी। दिसंबर 2023 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर की, नैब ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर होने के फैसले को जो है वो चैलेंज नहीं किया था। ये वकील काजी मिसबा ने अपने दलाइल में आज कहा था। उन्होंने कहा कि नैब ने मजीद शवाहिद अदालत के सामने नहीं रखे जिसके बाद हसन नवाज और हुसैन नवाज पर भी मुकदमा चलाया जो है वो नहीं जा सकता। जो शवाहिद मौजूद है उन पर भी हसन नवाज और हुसैन नवाज को सजा नहीं जो है वो हो सकती। हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त जो है वो जाया करना होगा, ये वकील जो है इनके काजी मिसबा उन्होंने अपने अदालती दलाइल में कहा जिसके बाद अदालत ने जो है वो एक तो उनके सामने उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसले भी रखे। तहम अदालत ने अब इन दोनों को बरी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदरी सबासी।